जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार अपने YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज जो शिफ्ट देखेंगे ना, मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट थी, आपकी फोर्थ शिफ्ट हो जाएगी। इससे पहले आपकी तीन शिफ्ट हो चुकी हैं जो कि टफ शिफ्ट थी, ठीक है, RBI चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उन्होंने जो लिस्ट दी थी, ठीक है, कि कौन सी शिफ्ट मतलब नंबर वन पे, नंबर टू और 36 तक है, ठीक है, हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं। और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी की कमी है उस चीज़ को बताना और हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो कौन सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समरूप व्रत एक दूसरे को, यानी कि दो समरूप व्रत हैं जो कि एक दूसरे को इनके सेंटर से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो भी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है, ये यानी कि ये वाली जो जीवा की लंबाई है, इसकी दे रखी है, ये है 16√3। यानी कि अब ध्यान से देखना कि अगर ये इसका सेंटर है और ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, और ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी क्योंकि ये भी सेंटर है, और ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इसकी रेडियस अगर मैं 2x मान लेता हूँ, तो ये x हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, ये 8√3 हो जाएगी। बाकी कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो, इनकी 2 × 4 x² = x² और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 8 × 64 कितना हो जाएगा, 192, ठीक है, इधर चला जाएगा। यानी कि 3x² = 192, x² = 3 6 18, 3 6 12, यानी कि x = आ जाएगा 8। यानी कि इसकी रेडियस निकालनी थी, यानी कि 2x, यानी कि 8 × 16 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु के तीन घन जिनकी भुजाएं क्रमशः कितनी है, 6, 8 और 10 दे रखी हैं, ठीक है, यानी कि तीन घन है और इनको हमने मेल्ट किया। यानी कि ध्यान रखना कि जब भी हम किसी को मेल्ट करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो चाहे, तो हम उसका वॉल्यूम देते हैं। अगर ये क्यूब है, तो अगर मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, जो इसका वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा, 216। और अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको मेल्ट करता हूँ, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8³, यानी कि 512। और अगर मैं इसका करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इनको पिघला कर, इनको तीनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाएगा, और इसकी साइड कितनी हो जाएगी, x का क्यूब हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो क्या बोल रहा था, घन की भुजा बतानी है, यानी कि ये वाला जो क्यूब बनाया है हमने नया, उसकी जो साइड है वो वाली वैल्यू निकालनी है। इन तीनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, यानी कि 1728 आ जाएगा, और इक्वल टू में x का क्यूब, ये इस पे क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये 1728, ठीक है, और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनकी पावर आ जाएगी, जो कि फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आदमी 12,000 की धनराशि ऋण पर लेता है, ठीक है, जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि 12,000 की कोई रकम ली और ये 13,200 हो गई कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर, और यहाँ से हमको कितना एक्स्ट्रा मिल गया, इनकी 1200 रुपये मिल गया, ठीक है, 1200 मिल गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, इनकी 1 ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे को क्या कितने रुपये मिले, यानी कि 600 रुपये मिले। अगर मैं रेट देखता हूँ, तो 600 रुपये मिले 1 साल के अंदर, तो 12,000 पे कितना रेट लिया होगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12×5=60। यानी कि जो रेट थी पहले वो कितनी थी, 5%। अब क्या बोल रहा है, यदि ब्याज दर को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि ये 5% से कितनी हो जाए, यानी कि 10% हो जाए, तो ये धनराशि कितनी हो जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है, 12,000 और इस कल्टू में, यानी कि 10 × 20, ध्यान रखना जो सिंपल इंटरेस्ट पे ही कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि 20% हो जाएगा, ठीक है, 120 निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12×12=144 हो जाएगा, और 2 जीरो 14 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, यानी कि 4, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो SSC CGL प्री में भी आएगा, ठीक है, प्री में भी पूछे थे और लगभग कई सारे सिस्टम पूछे गए थे, लेकिन वहाँ पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी, 99-98 करके थी ऐसे कुछ, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। अगर आप लोगों ने वो शिफ्ट लगाई होगी तो जरूर आपको पता होगा, ठीक है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट करती हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो a² - b² क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अगर मैं इसको माइनस में करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ 1 मिलेगा, जिसको मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, अभी, और अभी मैं क्या जोड़ूंगा, यानी कि 4 × 3 = 7 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में यानी कि 6 × 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 15 हो जाएगा, और इसी तरीके से चीज़ें चलती चली जाएंगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी सीरीज आपकी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन सभी को जोड़ना है। अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि a प्लस में, ठीक है, a प्लस में n-1 और d इक्वल टू में कितना हो जाएगा,
इक्वल टू में यानी कि 83 हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, ए आपको पता है 7 और एन आपको नहीं पता है, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 4, यानी कि 4 एन माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू में 183 हो जाएगा, यानी कि 7 में से 4 जाएगा 3 और इधर जाके माइनस का, यानी कि 4 एन इक्वल टू में 180 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू में कितना हो जाएगा यानी कि 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कितनी टर्म्स हैं, 45 टर्म्स हैं। अब इनको हम, अब क्या निकालना है हमको, इनका इनका सम निकालना है। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, ये कितना है यानी कि 45 के बटे में 2। ठीक है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यानी कि 183 और 7 कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, इनको कर लो यानी कि 2 × 18 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी कि 45 × में कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 5 × 25 की 2, 5 × 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 × में 4 × 20 की 2 × 4 = 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 5, 7, 8, 4, 12 और ये 4 यानी कि 42, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक है, यानी कि टेन ए इजिकल टू में, 3/7 दे रखा है। ठीक है, ये है यहाँ पे टेन ए, यानी कि ये 3 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, यानी कि 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9, यानी कि √58 आपको ये वाली साइड आपको दे रखी है, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो कॉसेक ए पूछ रहा है, कॉसेक ए कितना हो जाएगा यानी कि √ में 58 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, यानी कि कर्ण अपॉन में कितना हो जाएगा यानी कि लंब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6, बोल रहा है कि वर्ष 2001 की तुलना में, यानी कि जो जो आपको नीला वाला दिखाई दे रहा है ये आपका वर्ष 2001 है, और जो आपका संतरी दिखाई दे रहा है ये आपका वर्ष, नहीं, नीला वाला 2000 है और ये संतरी वाला 2001 है। तो बोल रहे हैं कि 2001 में, यानी कि 2001 में B1, B3 और B5 की औसत बिक्री की तुलना में, यानी कि अब देखो B1 यानी कि B1 और B3 और ये B5, ठीक है, यानी कि B1, B3 और B5, यानी कि यहाँ से देखता हूँ तो ये आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं B3 देखता हूँ तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 110 हो जाएगा, और अगर मैं B5 देखता हूँ तो 95 हो जाएगा। चीज़ें मैच कर लेना, अगर चीज़ें कुछ गलती हो जाएंगी तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 310 हो जाएगा, इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा 310। उसके बाद में बोल रहा है अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, ठीक है, तो एवरेज मत निकालो क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं 2001 की बात करता हूँ, 2001 में क्या हो जाएगा, एन की B2 हो जाएगा और B4 हो जाएगा और B6 हो जाएगा 2001 में। 2001 कौन सा है आपका, ये संतरी दे रखा है, ये भी 2001 था और ये भी 2001 है, कि B2 कितना हो जाएगा, B2 आपके पास में हो जाएगा 65। ठीक है, और B4 कितना हो जाएगा, B4 आपके पास में हो जाएगा 95। ठीक है, और B6 कितना हो जाएगा, यानी कि B6 आपके पास में हो जाएगा 80। ठीक है, इनको जोड़ दो यानी कि 8, 6, 14 और 14 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 और 40। ठीक है, यानी कि 240। अब बोल रहा है देखो, या तो हम इसका एवरेज कर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यहाँ से कटेगा नहीं। ठीक है, तो और हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 2001 में शाखा B1, B3, B5 की औसत बिक्री की तुलना में, ठीक है, वर्ष 2001 में शाखा B2, B4 और B6 की औसत बिक्री की कितना औसत कितना प्रतिशत है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 240 कंपैरिजन करा रहा है ये, यानी कि इससे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, और इंटू में कितना कर दोगे 100 हो जाएगा, 1 × 0 = 1 कट जाएगा, यानी कि 2400/31 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2400/31 हो जाएगा, और 31 7 यानी कि 7 × 7 = 21। ठीक है, 217 यानी कि 7 पे ही जाएगा, 7 वाली टर्म पे, और 7 वाली टर्म सिर्फ एक ही टर्म है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ए में लड़कियों की संख्या, ए में लड़कियों की संख्या, एफ में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एफ में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 200% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि स्कूल जे एच आई में, स्कूल जी एच और आई में लड़कियों की कुल संख्या यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 1300/2000 2800 कितनी हो गई, यानी कि 2800। ठीक है, और जे के एल में, जे के एल एम, ठीक है, 1100/2000/2500 और ये 29 हो जाएगा। ठीक है, 2900 कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, यानी कि 100 का अंतर है, ये तो कुछ नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9, 43120 को पी के वर्ग में इस प्रकार बांटा जाता है, पी का हिस्सा, यानी कि जो पी का हिस्सा है वो क्यू आर, क्यू और आर के
कुल हिस्से का 4/7 है, यानी कि अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्यू का हिस्सा है, जो क्यू का हिस्सा है वो पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि इनको जोड़ दो, यानी कि 7 × 4 = 11 हो जाएगा और ये 5 × 2 = 7 हो जाएगा। देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी टोटल सेम होना चाहिए था, जो कि सेम नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल सेम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा 28 और 11 दूनी ये हो जाएगा आपके पास में 22, यानी कि देखो P आपको पता है, Q पता है, अगर मैं R की बात करता हूँ तो 20, 40 और ये 50, 50 और ये 77 था, तो ये R कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। आपको R का हिस्सा पूछ रहा है और इन तीनों का टोटल आपको पता है, यानी कि 43, 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा और R कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपका आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि 8, 5, 13 और 14 ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 4, 2, 6 ये हो सकता है, 6, 4, 10, 11 ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप तुक्का भी लगाओगे, अगर नहीं भी निकल रहा है लास्ट मोमेंट पे हो, तो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लगा सकते हैं, थोड़े से फॉर्मेशन करोगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 11, 7, 77 और 11, 3, 33, ठीक है, 10 बच जाएगा, 11, 9, 99, 11, 2, 22, ठीक है, यानी कि 7, 5, 35 और 7, 6, 42, ठीक है, 560 × कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। इसके बाद देखना 10 आएगी, ठीक है, 7, 6, 42 यानी कि लास्ट में 2 आएगा, यानी कि 20 आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है, यानी कि देखो 56 और ये 27, यानी कि 7, 6, 42 की 4, 7, 5, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39 इंटू में 2, 6, 12 यानी कि 2, 9, 2, 11 यानी कि लास्ट में एक आएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, 120 आपको यहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10, यानी कि पी क्यू को एक बोतल, पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जो 100 से ये 130 की बचेगा, ये P है, ये Q है, और Q इसे R को 20% के लाभ पर बेचता है, Q इसे जो R को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 13 × 26 ये कितने की बेचेगा, यानी कि 156 की बेचेगा। P और R के क्रय मूल्य के बीच में अंतर बताना, अनुपात बताना, यानी कि 100 हो जाएगा ये 156 हो जाएगा, यानी कि 4 से काट देंगे इसको, 4 × 12 = 36, यानी कि 25 और 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1/√3 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, और उसके बाद में क्या करना है, यानी कि 1/√3 हो जाएगी, और cot 30 की कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 − 3 और अपॉन में 1/√3, यानी कि -2/√3 हो जाएगा। अब मैं नीचे सॉल्व कर सकता हूँ, 1 + cot 60 कितना हो जाएगा, 1/√3 और इंटू में 1/√3 ये कट जाएगा, तो नीचे से मेरे को कितना मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा और यहाँ से 1, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस में, माइनस है ध्यान रखना, यानी कि माइनस का 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि राम अपनी आय का 50% खर्च करता है, यानी कि मान के चलो कि राम की आय अगर 100 है, अगर 50 खर्च कर देता है तो 50 बचाएगा भी, ठीक है, ध्यान रखना, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है, यानी कि ये 110, अगर उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने की प्रतिशत, यानी कि देखो सेम टर्म्स थे, और अगर मैं सेम रेशियो में अगर मैं इन सभी को बढ़ाता हूँ तो इसमें भी सेम रेशियो से ही बढ़ेगा, यानी कि 10% आपका आंसर हो जाएगा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं ए का स्क्वायर 1/ए का स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि एन का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 4 × 16 में से 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 14। इसी तरीके से अगर मैं ए का 4 + 1/ a² निकालता हूँ तो 14 × 14 = 196 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 194, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इसमें से कौन सा बड़ा है ये पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो 6, 3, 6, 4 इन सभी का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12, यानी कि इन सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो इनकी पावर को, यानी कि 6 × 12 यानी कि 125 की पावर 2 और 11 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 12 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, 6 × 12 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, ये दोनों तो आप आंसर नहीं हो सकते, या तो 11 की पावर 4 आंसर होगा या फिर 11 की पावर 125 की पावर 2 आंसर होगा, और मेरे को पता है कि अगर मैं 125 निकालता हूं तो ये 156 और ये 25 होता है, और 11 की पावर 4 यानी कि 11 की पावर 3 1331 होता है इंटू में 11 × 11 = 11 1 × 11 = 33 3 × 11 = 33 और 3 कितना हो जाएगा 37 की 3 11 × 11 = 14 यानी कि 14441 यानी कि ये छोटा हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 125 की पावर 1/6 यानी कि ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि 17 की पावर 3, देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपका SSC CGL
सीजीएल पीरी से रिलेटेड है, ठीक है, एसएससी सीजीएल पीरी, वहां से एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन लगातार आए थे, ठीक है, उसी से एक क्वेश्चन बना हुआ है ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अगर डेटा चेंज किया होगा तो मेरे को इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है, और तरीका भी सेम है। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो ए का क्यू माइनस का बी का क्यू, यानी कि 17 में से 7 जाएगा, यानी कि क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखो, ए का क्यू माइनस का बी का क्यू, क्यू क्यूब कितना होता है, ए माइनस का बी इक्वल टू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसमें खोल देता हूँ तो 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 10, और 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और प्लस में 17 सत्तर कितना होता है 119, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में के, और इक्वल टू में इसको वैल्यू दे रखी 10। देखो यार कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर मैं नीचे यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ ना तो के इक्वल टू में 119 हो जाता है, बस यही आपका आंसर है, सिर्फ कंपेरिजन करके भी हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा, और इसके बाद में चीज़ें वही आ जाएंगी अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो चीज़ों को, ठीक है, तो ऑप्शन के इक्वल टू कितना हो जाएगा 119 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो 9 × 2 = 18, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई है 8 / 25, अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 18 × 2 = 36, यानी कि 3 / 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 / 2 और 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 6 × 1 = 6 हो जाएगा, यानी कि 3 + 2 = 10 और 2 × 6 = 12, यानी कि 13 में से 12 जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर से मेरे को मिल गया 1/2, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 6 × 3 = 18, 20 + 60, 3 × 6 = 12 और 12, ये आपस में कट जाएंगे, तो नीचे कितना बचेगा 60 बचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/120 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ये बी की वैल्यू है, यानी कि 8/25 और प्लस में 1/120, 25 और 120 का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 600, यानी कि और यहाँ से करता हूँ तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 24 × 8 = 24 पे जाएगा ना, 25 × 50 = 25, 100, यानी कि 24 × 8, यानी कि 24 × 8 8 × 32 = 3, 8 × 2 = 16, 192 हो जाएगा, यानी कि 192 और 120 × 5 कितना होता है 600 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 197/600 कितना हो जाएगा 600, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17, एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन एक विपरीत दिशा में, ठीक है, देखो ये चीज़ है, यानी कि ये ट्रेन आपकी यहाँ से चल रही है और एक व्यक्ति यानी कि जो मैन है वो 10 सेकंड में पार करता है, वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, देखो इस मैन की तो अपनी कोई लेंथ नहीं होगी, इस ट्रेन की लेंथ होगी, तो बेसिकली क्या कर रहा है जो आदमी है वो इस ट्रेन को ही जो जितनी इस ट्रेन की लेंथ है उसी को ही क्या कर रहा है, यानी कि पार कर रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात करूँगा तो वो कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ये 8 गुना है, ठीक है, यानी कि ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है, अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो इसकी जो वो है यानी कि जुड़ जाएगी इसकी, ठीक है, यानी कि इसकी जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, मैं इसको बोल देता हूँ 8x और ये बोल देता हूँ मैं 9x, ठीक है, सॉरी 1x, यानी कि 9x हो जाएगी, और किलोमीटर पर आवर में, यानी कि इसको चेंज कर दो 5/18, ठीक, यानी कि 1 जीरो से तो ये वाली जीरो कट जाएगी, 9 × 2 = 18, यानी कि और 5 × 20, यानी कि x इजिकल टू में 18 × 72 हो जाएगी, आपको पूछ रहा है ट्रेन की चाल, यानी कि x की वैल्यू 72 आ गई, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 = 16, 8 × 7 = 56 और 1 × 57, यानी कि 576 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि a अकेले एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, एक अकेले एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और b अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, c अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, ए और सी की कुल कमाई बतानी कितनी हो जाएगी, इनकी 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, 10 × 6 = 60, 20 × 6 = 60 और 30 × 2 = 60, क्लियर है, इसके बाद देखना, यानी कि और क्या पूछ रहा है, ए और सी, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, ठीक है, ए और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितनी अधिक है, यानी कि 6 × 2 = 8 और 3 घटा दोगे, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि कितना हो जाएगा 6 × 3 = 9 × 2 = 11, यानी कि 1100 अपॉन में कितना हो जाएगा 11 और इंटू में 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 11 × 11 और 100 × 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, एक जीवा आर एस की केंद्र, यानी कि एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा आर एस की एक जीवा आर एस है, एक जीवा जो आर एस है और केंद्र से 20 की दूरी पर है, यानी कि ये सेंटर से 20 की दूरी पर है, इस जीवे की लंबाई 30 मीटर है, यानी कि ये 15 हो जाएगा, तो इसका व्यास बता रहा है, यानी कि ये रेडियस निकल जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 25 अगर रेडियस है तो डी कितना हो जाएगा, यानी कि 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, जीवा ए बी द्वारा, यानी कि जीवा ए बी द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कितना है 90 है, ठीक है,
यानी कि ये देखो जीवा ए बी है, और अगर ये परिधि पर 90 का एंगल बना रहा है तो ये एक ही कंडीशन में है, यानी कि ये जो कॉर्ड है आपकी, यही आपका क्या है, डायमीटर भी है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि अगर कोई भी कॉर्ड अगर 90 का एंगल बना रही है अपनी सर्कमफ्रेंस से, यानी कि वो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि डायमीटर हो जाएगी। इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई बतानी है, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा, बेसिकली डायमीटर ही पूछ रहा था ये। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, और सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या कितनी है, 4000 है। ठीक है, सॉरी 4000 है, एक विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन 6 स्कूलों की, ठीक है, बताया गया है। त्रिज्याखंड एफ से बने केंद्रीय कोण का मान बताना है। एफ एफ कहाँ है, ये 17, और कुछ नहीं पूछा था, यानी कि 17 के बटे में कितना हो जाएगा 100, और इंटू में कितना हो जाएगा 360, यानी कि एंगल पूछा है बस, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 17 5 85, 17 6 102 की 10, 17 3 51 10 कितना हो जाएगा 61, यानी कि 61 के बटे में 10, यानी कि 61.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि त्रिभुज एस टी यू में, ये त्रिभुज एस टी यू, ठीक है, त्रिभुज एस टी यू, एस टी और यू, त्रिभुज एस टी यू में एस ई, यानी कि एस ई त्रिभुज एफ ई और टी एफ, और टी एफ माध्यिकाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि यू टी 34 है, यदि यू टी यानी कि ये पूरा है, ये कितना है 34 है, और टी एफ 22.5 है, यानी कि टी एफ यानी कि ये वाली लेंथ की बात करूँ तो ये 22.5 है, और एफ ई 24 है, यानी कि ये वाली पूरी कितनी है 24 है, ये अगर 24 है, ठीक है, तो टी ओ ई यानी कि टी ओ ई आपको बताना है कितना हो जाएगा। एक बार बताओ मुझे, यानी कि अगर ये मीडियन है तो इसको 2:1 में काट रही होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, और ये जो इसको है ये 17 में, ये 17 इसको 2 में बांटेगी, यानी कि जो इसकी मीडियन है ये भी 17 और ये भी 17, 2:1 में काट रही है, इनकी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनकी 22.5 दे रखी है, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, और ये 2:1 में काटेगी तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो ये कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, 15, और ये आपकी 24 है, पूरी की पूरी 24 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 24 दे रखी है, तो ये आपका सिर्फ कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 15 8 17 के साथ में ट्रिपलेट बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23, एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वाई और जेड द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम है। ठीक है, यानी कि ये वाई प्लस में जेड अपॉन में 2 से 35 कम है। ठीक है, यानी कि अब देखते हैं, 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं, वाई प्लस में जेड माइनस का एक्स प्लस में वाई, ठीक है, यही है क्या, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कट गया इससे, और ये हो जाएगा 35, यानी कि जेड माइनस एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जेड द्वारा प्राप्त अंक 85 है, जेड अंक कितने हैं 85, माइनस का एक्स, ये 85 इधर चला जाएगा, 70 माइनस का कितना हो जाएगा 85, यानी कि माइनस का एक्स इधर टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इधर टू में प्लस में 1, और ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थीटा इधर टू में 45 रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि थीटा इधर टू में क्या रख लेता हूँ मैं 45 रख लेता हूँ, यानी कि 1 माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का 1, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट 2 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमा ले लेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या मिला, अंडर रूट 2 माइनस 1 मिला, देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 1 प्लस में, 1 प्लस में 45 रखना था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 प्लस में 1 बाई अंडर रूट 2, और यहाँ से 1 बाई में अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 प्लस में 1 आएगा, जो कि आना चाहिए था माइनस में, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है, इसको चेक कर लेना आप खुद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये 100 से कितना हो जाएगा 120, और यदि वह 10% छूट देता है, यानी कि 10% तक की अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो 12 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, तो बोल रहे हैं कि इसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, यानी कि 100 से चीज 108 की बेची जा रही है तो 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आज की शिफ्ट कंप्लीट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।